कानपुर में चंदेरी रेलवे स्टेशन के पास के जंगल में 12वीं के छात्र का शव पड़ा मिला। बता दें कि छात्र डॉक्टर वीरेंद्र स्वरूप श्यामनगर में पढ़ता था और कल दोपहर छुट्टी के बाद वह घर नहीं पहुंचा, जिसके बाद परिजनों के काफी देर तक ढूंढने पर भी वह नहीं मिला, जिसके बाद परिजनों ने पुलिस को इसकी जानकारी दी। बता दें कि चकेरी थाना क्षेत्र अंतर्गत श्यामनगर निवासी संजय सरकार का 17 वर्षीय इकलौता बेटा रोनित स्कूल की छुट्टी के बाद घर नहीं पहुंचा, तो परिजनों ने स्कूल में फोन कर जानकारी लेनी चाहिए, तो उन्हें पता चला कि बेटा स्कूल से छुट्टी के बाद ही जा चुका है। इसके बाद रोनित के परिजन रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप के अलावा अन्य स्थानों पर उसकी तलाश करते रहे, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला, जिसके बाद रोनित के परिजनों ने बेटे के लापता होने की सूचना पुलिस को दी। परिजनों ने स्कूल के सीसीटीवी फुटेज भी देखे, जिसमें बेटा स्कूल से जाता हुआ नजर आ रहा है। वह रोज ई रिक्शा से अपने घर श्यामनगर स्थित हरिहर धाम आता जाता था। वहीं आज चंदारी रेलवे स्टेशन की झाड़ियों के पास एक छात्र का शव मिलने की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस व फॉरेंसिक टीम ने साक्ष्य एकत्र किए। बेटे की मौत से परिजनों और रिश्तेदारों का रो रो कर बुरा हाल है। बताया जा रहा है कि हत्यारों ने रोनित की हत्या करके शव को रात के अंधेरे का फायदा उठाकर जंगल में फेंक दिया। वहीं ये भी बताया गया है कि हत्या के पीछे लूटपाट का इरादा नहीं था, क्योंकि रोनित के पास जो भी सामान था वो वैसे का वैसा ही घटनास्थल पर मिला है। वहीं इस बात की अभी भी पुष्टि नहीं हो पाई है कि हत्या को क्यों और कैसे अंजाम दिया गया। वहीं पुलिस तहकीकात में ये भी पता लगना बाकी है कि इस घटना को अंजाम देने में किसका किसका हाथ है, यानी कि रोनित के हत्यारे एक या एक से अधिक लोग तो नहीं। वहीं एडीसीपी पूर्वी ने बताया कि बच्चे के गुमशुदा होने की सूचना पुलिस को मिली थी, जिस पर तत्काल गुमशुदगी दर्ज कर ली गई थी। साथ ही साथ बच्चे को ढूंढने का प्रयास किया जा रहा था। आज सुबह चकेरी थाना क्षेत्र अंतर्गत शामिल से सूचना मिली कि एक छात्र का शव चंदारी रेलवे स्टेशन के पास झाड़ियों में मिला है, जिसके बाद तत्काल मौके पर फॉरेंसिक टीम के साथ पुलिस पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। एडीसीपी पूर्वी ने बताया कि फिलहाल छात्र के पूरे शरीर पर बाहर से तो कोई भी चोट के निशान नहीं दिख रहे हैं, बाकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ पता चल पाएगा। वहीं इस घटना के संबंध में सभी पहलुओं की जांच के लिए 5 टीमों का गठन किया गया है। सर, एक छात्र का मर्डर हुआ है, क्या है? देखिए, कल थाना चकेरी पर एक गुमशुदगी शाम को लिखी गई थी, जिसमें एक स्कूली छात्र के गुमशुदा होने की बात बताई गई थी। पुलिस उस पर तत्काल गुमशुदगी दर्ज करके और तलाश जारी किया था। तलाश के दौरान ही आज सुबह 7 बजे जानकारी हुई कि उसकी डेड बॉडी यहाँ रेलवे ट्रैक के किनारे झाड़ियों में मिली हुई है। हम लोगों ने फॉरेंसिक की टीम बुलाई थी, सभी साक्ष्य जो जरूरी थे उन्हें इकट्ठा किया गया है। हम सीसीटीवी फुटेज की सहायता लेंगे और बाकी जो हमारे एविडेंस कलेक्शन के साधन हैं उनको करेंगे और बहुत जल्दी इस पूरी घटना का वर्कआउट करेंगे। क्या लगता है प्रथम दृष्टया किस तरह से मौत होना पाया गया है? देखिए, अभी तो चूंकि शरीर पर कोई हम लोगों को जाहिरा चोट नहीं मिल रही, तो पीएम रिपोर्ट से बाकी चीज़ें क्लियर होंगी कि रीजन क्या है, लेकिन ये जो जगह है यहाँ सामान्यतया कोई नहीं आता जाता है। यहाँ किस परिस्थितियों में वो आया हुआ है या लाया गया है, इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन करेंगे और सारी चीज़ों को क्लियर करके बहुत जल्दी इस केस का खुलासा करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।